subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में फिनाले से पहले फैंस की धड़कने होती जा रही हैं तेज। बहुत सारे फैंस कहते हैं कि सर क्या होगा, तो हमें तो टेंशन हो गई है इस चीज की। वहीं पे सना के फैंस को भी हो रही है टेंशन। हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें टॉप टू डिक्लेयर किए थे कि टॉप टू ये हो सकते हैं कि होने चाहिए टॉप टू, और जो पोलिंग किया था उसके मुताबिक भी टॉप टू वही थे। लेकिन अदालत ने एक दिन रजत शर्मा की अदालत लगी, उसके बीच कुछ ऐसी बातें हुई जिससे टॉप टू थोड़े डाइसी हो गए हैं। अब मुझे दिखाई देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ शुक्ला तो टॉप टू में डिजर्व करते हैं, और डेफिनेटली 100% सिद्धार्थ शुक्ला टॉप टू में पहला कंटेस्टेंट है। दूसरा साथ में कौन ज्वाइन करेगा? तो कल की कुछ बातों को लेकर अचानक से वो फैंस भी जो फैंस सपोर्ट करते थे शहनाज को, वो फैंस शहनाज के खिलाफ जाते हुए नजर आने लगे। ये बड़ा ही मुझे, मैं हैरान हुआ। हालांकि मैं अपनी नजर से देखूं तो मुझे वो चीजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं। जैसे कि वो मुद्दा कल ही क्यों उठा, पता नहीं कब बोला होगा पारस छाबड़ा को, तब बोला होगा जब पारस छाबड़ा के साथ शहनाज की दोस्ती थी शुरू शुरू में, और पारस छाबड़ा ने असीम को बोला होगा। लेकिन ये बात अब जाके उठती है बिग बॉस के घर में कि शहनाज गिल बाहर से गेम प्लान करके आई थी। शहनाज गिल को बाहर से उसके मेकअप आर्टिस्ट ने ये गाइड किया था कि तुम घर के अंदर जाना और किसी एक के साथ चिपक लेना जो स्ट्रांग होगा, तो गेम में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस बात को लेकर फैंस हो गए नाराज। फैंस को अब, जो फैंस पहले कुछ नहीं बोलते थे, अब उनको शहनाज गिल की अंग्रेजी भी दिखने लगी है। ये इंग्लिश आती है, वो वहां की पड़ी हुई है, उनने जनता को बेवकूफ बनाया, क्यूटनेस नहीं है, बहुत चाहते रहे, ये चीजें आ रही है सामने। तो लेकिन मुझे, मेरा एक सवाल है कि अगर शहनाज गिल इतनी ही चालाक थी तो शहनाज गिल वो मेकअप मैन ने घर के बाहर उसको बताया था, वो बात पारस छावड़ा को बताने की उसको क्या जरूरत थी? अपना गेम खेलती, अपना स्ट्रॉन्ग के साथ चिपकती, तो वो पारस छाबड़ा को उसने बाहर की बात क्यों बताई? इसका मतलब ये है कि वो उतनी चालाक नहीं है सच में। तो लेकिन खैर, फैंस का क्या है, फैंस तो अब एकदम से भाव के साथ बह गए हैं। और कहीं ना कहीं अभी आसिम रियाज का जो पलड़ा है मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कहीं ना कहीं आसिम रियाज शहनाज गिल से ज्यादा ऊपर आ रहे हैं। तो शहनाज गिल के जो सना के फैंस एक टाइम पे सबसे ज्यादा थे, तो अब कहीं ना कहीं सिद्धनाज के टूटने का नुकसान सीधा सीधा शहनाज को हो रहा है, जो कि सिद्धनाज खुद नहीं तोड़ रहे हैं, शहनाज खुद नहीं तोड़ रही है, सिद्धनाज के फैंस ही तोड़ रहे हैं। सना के फैंस खासकर कह रहे हैं अकेला खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको करना चाहिए, तो बिग बॉस के घर में। लेकिन अकेला खेल के शहनाज गिल नहीं जीत पाएंगी, मैं आपको बता दूं। और शहनाज गिल कहीं ना कहीं टॉप टू से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, 3 दिन बचे हैं, तो अगर आप सच में टॉप टू में शहनाज गिल को देखना चाहते हो तो फिर आपको जबरदस्त तरीके से वोटिंग करनी होगी अपने कंटेस्टेंट को। और वही बात मैं आसिम के फैंस को भी कहूंगा कि आसिम के फैंस भी बहुत दिल लगा के वोट करो, और पॉजिटिव दूसरे चैनल्स पे जाके गालियां मत दो, कोई किसी का सपोर्टर है कोई करता है करने दो, लेकिन पॉजिटिवली जो है अपने कंटेंडर को सपोर्ट करो ताकि वो टॉप टू में आ सके। तो अब देखना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या अब टॉप टू बदलेंगे? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दूसरा जो है टॉप टू में होगा आसिम रियाज? क्या सना नहीं होगी टॉप टू में? तो ये आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।